हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल वांग्श एंड माय वर्ल्ड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांग्श एंड एफएफ के पार्ट 16 को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मुशन्यू को वेन जख्मी हालत में खाई के तलहटी पर मिला था, तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। जब मुशन्यू को विंग मिला था तो विंग इंजर्ड था। मुशन्यू ने डिसाइड किया कि वो इस लड़के को ठीक करेगा, अगर उसे अपना शरीर भी देना पड़ा तो वो देगा। एक दिन मुशन्यू डिसाइड करता है कि विंग की जान बचाने के लिए उसने अपना शरीर बलिदान देगा और एक पावरफुल हीलर की मदद ली, डिसाइड करता है उसकी बॉडी में विंग के सोल को प्रवेश कराया और विंग की जान बचाने के लिए उसने अपना शरीर बलिदान कर दिया। हीलर के साथ रहने लगा था। एक पावरफुल हीलर की मदद ली, सारा कुछ बताया था उसकी बॉडी में मुशन्यू नाम के एक आदमी ने प्रवेश कराया बचाने के लिए का अपना शरीर विंग को दे दिया। एक दिन विंग एक टाउन में घूम रहा था तो विंग उसी हीलर के साथ कुछ सोल्जर्स पकड़ उसी के घर में रहने लगा था। हीलर ने विंग को उसे सब कुछ बताया कि मुशन्यू ने अपनी जान मोजून के बगल में उसकी मुशन्यू ने उसकी जान बचाने के लिए अपना शरीर उसको दे दिया। एक दिन विंग एक टाउन में घूम रहा था तो उसे मोसेप के सोल्जर्स ने पकड़ लिया। विंग पर चिल्लाने लगती है और उसको लेकर मोसेप के रूम से भाग गए, जून के पास तो लेकर चले गए। पहले अपने मोजून के बगल में उसकी वाइफ हमारे साथ मोफेन बैठी थी और हमारे तरफ उसका बेटा खड़ी करोगे। जैसे ही सोल्जर्स विंग को सोल्जर्स को तीनों के सामने लाते इसे हैं ले तो जाओ और इसके हाथ पैर अच्छे से बांध दो और इसे पर दो से तीन दिन तक खाना पानी मत देना। पागल कहीं दिन ऐसे ही बीतने लगे। फिर से अपने रूम से दो तीन दिन बाद विंग के रूम में मोशन आते हैं। कुछ सोल्जर्स के साथ अब हमारे साथ रह रहे हो, खाना और पानी दे सोल्जर्स ले जाओ इसे और वहाँ से चला जाता है और इसके हाथ पैर को अच्छे से बांध दो, इसे दो से तीन दिन तक खाना पानी मत देना। कुछ इवन स्पिरिट्स दिन ऐसे ही बीतने लगे। तीन दिन बाद मोसेप्ट उनसे लगता है के रूम में मोशन आता है कुछ सोल्जर्स के साथ। तो वो विंग को खाना और पानी देता है और वहाँ से चला जाता है। रात का समय अचानक आता है मो पैलेस पर कुछ इवन स्पिरिट्स अटैक करती है। मोसेप्ट उनसे लड़ता है पर वो स्पिरिट पावरफुल थी इसलिए मोजून और पूरा मो परिवार उनका शुक्रिया अदा करता है, बुलाता है। फिर मांझी अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। पूरी लड़ाई के समय भी वो श्यान वांगजी को ही निहार रहा था, जो खिड़की के बगल में पर्दों के पीछे से वांगजी को ही देख रहा था। एक दिन कुछ लोगों को कुछ डीमंस परेशान कर रहे थे, तभी वीवो श्यान उनकी मदद करता है। उन लोगों ने तब तक वांगजी को भी अपनी मदद के लिए बुला लिया था। उनकी मदद करता है। कुछ देर बाद वांगजी भी वहाँ आ जाता है। तब विभूषण और वांगजी बुला दिया था। दोनों उन डीमंस को मार देते हैं। आ जाता है। भले ही विभूषण ने अपने दोनों चेहरे पर एक नकाब डाला हुआ था, पर तब भी वांगजी ने विभूषण को पहचान लिया था। हक करते हैं विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे क्लाउड रिसेस में लेकर आ जाता है। वांगजी विंग को क्लाउड रिसेस में लेकर वापस आ जाता है। 16 सालों में क्या क्या हुआ वहाँ सब बताता पिछले है और 16 सालों में क्या क्या हुआ और सब युवान बताता से भी मिलवाता है जो युवान 16 साल के आयान से भी मिलवाता है। पहले तो दोनों जो अब 16 साल के हो चुके थे को नहीं पहले तो दोनों थे, पर विभूषण को नहीं पहचान जी पार है थे। पर बताता है कि ये हमारी मदद वांगजी ने मोशन्यू यानी विभूषण के बारे में पूरा सब कुछ बताया तो वे मदर आप कहाँ चली गई थी हमने पहचान गए। बहुत वांगजी ने कहा यही तुम्हारी मदर है। विभूषण तब दोनों बच्चों को ऐसे बीतने लगता है। किरण ने भी
वीन को एक्सेप्ट कर दिया था और अपने किए के लिए माफी भी मांगी थी। वांग जी और वीन ने माफ भी कर दिया। शिचेन ने देखा कि अंकल चिरेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शिचेन ने भी अपने किए के लिए माफी भी मांगी थी। वांग जी और वीन ने भी अपने चिरेन को परिवार के साथ शिचेन ने देखा कि खुशी खुशी रहने लगे थे। अपनी गलती का अब एहसास हो गया है दोनों वर्ल्ड के बीच शिचेन ने भी उनको माफ कर दिया था। पता लगाने अब वांग जी और विभूषण अपने परिवार के साथ दोनों बहुत खुश हैं तो उन्हें खुशी रहने लगे थे। पता मिलता है जो उस वार के समय दोनों वर्ल्डों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग का पता लगाने का उस सोल्जर्स के पास जाते हैं। दोनों बहुत खोजते हैं तो बहुत पूछताछ के बाद वो सोल्जर सारा सच बता देता है। वार के जो उस वार के समय लड़ा था मिसअंडरस्टैंडिंग और विलेन उस सोल्जर्स के पास जाते हैं। बहुत पूछताछ के बाद वो सोल्जर सारा सच बताता है की वजह से हुई थी। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी कि वजह से हुई थी। वे दोनों किसी बदले की बात कर रहे थे। इससे ज्यादा वे दोनों किसी बदले की बात कह रहे थे। फिर बींग और वांग जी लैन शुशे से पूछते हैं तो फिर बींग और वांग जी लैन शुशे से पूछते हैं तो कुछ देर में वो सारा सच बता देता है। अगले दिन सब दोनों बींग के अंकल से पूछने के बाद किंगडम में चले जाते हैं। सब कुछ सारा सच बता देता है। वे दोन शुन और रेवुश्यान बता देता है। वे दोन शुन वांग जी और रेवुश्यान क्लाउड रिसेस में आ जाते हैं। वे दोन शुन को लेकर क्लाउड रिसेस में आ जाते हैं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।